देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है और वीटो पावर किस किस को प्राप्त है और कौन कौन इसके स्थायी सदस्य और स्थायी अध्यक्ष है और उसके बाद इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन कौन से। तो हम शुरू करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 1945 में हुई थी। मैनहेट, ये न्यूयॉर्क का एक द्वीप है, वहां पे इसकी स्थापना हुई थी। इसके मुख्य भूमिका जिसने निभाई थी वो थे यूएस प्रेसिडेंट बेल्ट, ये रूस बेल्ट। इसके पहले ये बनाया गया था लीग ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, कि सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसलिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। पर लीग ऑफ नेशन का क्या हुआ था कि देश को अपने देश के अंदर यह विधेयक लाना पड़ता है, पारित करना पड़ता है कि वो यूएनओ को भी लीग ऑफ नेशन के सदस्य बनना चाहते हैं। तो अमेरिका में खुद ही यह विधेयक पारित नहीं हुआ था, तो ये बाद में फेलियर हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। उसके बाद हम देखेंगे इसके बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो इसलिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इसके मुख्य तौर से छह अंग है, सिक्स ऑर्गन्स है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसको पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, पुलिस ऑफ द वर्ल्ड। ये एक बहुत बड़ी सभा है, जनरल असेंबली है। इसको लघु संसद, जैसे अपने देश के अंदर राज्यसभा लोकसभा, ये संसद होती है, उसी प्रकार ये संसद होती है, जिसके 193 कुल सदस्य हैं। इसका सबसे नया सदस्य जो चुना गया था वो था दक्षिणी सुडान, सुडान 2011 में चुना गया था। इसके पास बहुत ताकत होती है, यदि किसी देश में एम्बार्गो लगा दे तो वो दूसरे देश से व्यापार नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखेंगे इसकी है कि स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। तो हर साल में सितंबर के महीने में बैठक होती है, जिसमें राष्ट्र अध्यक्ष को 62 देने होते हैं। तो हम इस बार हमारे प्रधानमंत्री ने सितंबर के महीने में 62 दिए थे। उसमें ने ये पूछा था यूनाइटेड नेशन से सवाल कि ये टेरर अटैक के लिए क्या कर रहा है, नस्लवादी के लिए क्या कर रहा है यूनाइटेड नेशन। जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध हो रहा है उसमें क्या भूमिका निभा रहा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी तो नहीं कर रहा है। कोरोना वायरस आ गया उसमें क्या कर रहा है, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। तो अब हम देखते हैं अस्थायी अध्यक्ष। तो इसमें 10 अस्थायी अध्यक्ष होते हैं और 5 स्थायी अध्यक्ष होते हैं, तो कुल 15 हुए। तो अस्थायी अध्यक्ष 2 साल के लिए बनाए जाते हैं, हर 2 साल में चुनाव होता अल्फाबेटिकली, अल्फाबेट। तो 2021-22 में इस बार इंडिया जीतता है चुनाव में। इसके पहले 2011 और 12 में, मतलब हम 2 ही साल रहेंगे उसके बाद फिर हम फिर से चुनाव होगा। उसके बाद इसकी स्थायी अध्यक्ष, जब तक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तब तक ये 5 सदस्य उसके स्थायी सदस्य रहेंगे, अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इसको बनाया, तो यूनाइटेड नेशन और रूस बेल्ट ने बनाया, तो ये अमेरिका तो होगा ही। उसके चीन और रूस कम्युनिस्ट सोच रखने वाले, उसके ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन के नीचे ये फ्रांस, दोनों यूरोप की कंट्रीज है। उसके परमानेंट मेंबर के पास एक स्पेशल पावर होती है, वीटो पावर, जिसको हिंदी में कहते हैं निषेध शक्ति। इसका शाब्दिक अर्थ देखे तो ना, मतलब कोई भी होने वाला है तो एक व्यक्ति ने कह दिया ना तो वो नहीं हुआ। जैसे कि विधेयक लाया गया, रेजोल्यूशन लाया गया, उसको पारित करने के लिए 193 में से 121 का, 1 सदस्यों का हामी भरना जरूरी है। जैसे कि इराक में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। तो यूनाइटेड नेशन और सिक्योरिटी काउंसिल में ये प्रस्ताव आगे रेजोल्यूशन की इसने हमला किया दूसरे देश पर, कब्जा करना गलत है। तो सारी दुनिया ने ये प्रस्ताव पारित हो गया, उसके बाद सारी दुनिया ने मिलकर इस पर हमला कर दिया इराक पर। उसके बाद यही तिब्बत में भी हुआ था 1959 में, चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया, तो फिर से ये रेजोल्यूशन आया कि गलत है इस पर तिब्बत पर हमला, क्योंकि ये दूसरे देश पर कब्जा किया है। तो इस पर ये पास भी हो गया 193 में से 121 सदस्य ने हाँ कह दिया कि ये तो गलत है। लेकिन और इन चारों ने भी हाँ कह दी, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, रूस, इन चारों ने भी हाँ कह दी। लेकिन चाइना ने सोचा हम पर हमला, तो उसने वीटो पावर लगा दी। वीटो पावर एक ऐसा है कि वो उसी टाइम रुक जाएगा, चाहे कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी वीटो पावर में इतनी सकती। मतलब ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एकदम 5 घोड़ों के रथ जैसा, ये 5 लोग इसको चलाते। जैसे कि अमेरिका, किसी एक ने भी बोल दिया ना वीटो,
तो वो रुक जाएगा उसी टाइम। जैसे अमेरिका चीन रूस, जैसे कि अभी चीन ने बोला तो वो उसी टाइम, वो उसके बाद उसमें कुछ नहीं हुआ। इसका सबसे ज्यादा जो वीटो का प्रयोग किया था वो था रशिया, उसके बाद फ्रांस ने सबसे कम।